बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टुडे वी स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लेक्चर नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज 5.1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इससे पहले हमने जो दो लेक्चर इसके पढ़े हैं 1.1 में, उस पर आपने फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं हम पहले, ठीक है। अब हम कम्प्लीटिंग स्क्वायर की तरफ आते हैं। कम्प्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन नंबर 1 है 7x² + 2x - 1 = 0 एंड वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ कम्प्लीटिंग स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल In solution, we rewrite the question 7x² + 2x - 1 = 0. Then we take the constant terms to the right hand side. So minus 1 change into plus 1. Okay. So what is the next step in completing square method? Next step is, first of all, you have to make coefficient A is 1. A is coefficient of x square. Okay. So you have to make coefficient of x square is 1. So we're dividing the 7 on both sides. So this 7 and 7 cancel. 7 cancel. 2 by 7x = 1 by 7. Okay. Now in next step, we have to add half of B. And in this question, we have B is 2 by 7. 2 by 7. देखें, कोफिशिएंट्स ए बी सी कौन से होते हैं? कोफिशिएंट ए होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हो, ठीक है। बी की वैल्यू क्या वैल्यू होती है जो एक्स के साथ लिखा हो? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या होता है जो कांस्टेंट होता है? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी कांस्टेंट। और इस स्टेप में आपने बी अवर टू हाफ ऑफ बी का स्क्वायर ऐड करना होता है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। बी इज 2 by 7। व्हेन वी डिवाइड 2 by 7 विद 2, 2 कैंसिल, रिमेनिंग इज 1 by 7। सो दैट्स व्हाई वी ऐड 1 by 7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ओके जी, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इन नेक्स्ट स्टेप we have to make the formula on the left hand side, a square plus 2ab plus b square. Okay, so a plus b whole square. In this question, a is x and b is 1/7. Okay ji, on the right hand side, 1/7 plus 1/7 whole square is 1/49. Now we take the LCM on the right hand side. So we get LCM from 7 and 49 is 49. And in denominator we get 8. Okay. In next step, we take the square root on both sides. Okay. When we're taking the square root on both sides, we get square, this square cancel with square root. So remaining is x + 1/7. And when we take the square root on right hand side, it becomes √8/7. Because of under root cancel with 49 and it remains 7. अभी आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाएगा। जो बच्चे क्वेश्चन भेज रहे हैं वो बिल्कुल नहीं आंसर दिया जाएगा, आंसर आपको एट द एंड पे ही मिलेगा। ओके, इस बात को जहन निशीन रख लें। चाहे आप 1000 SMS करें, आंसर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन का टाइम आपको एंड पे दिया जाएगा और सिर्फ उन ही क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा जो कि एंड पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं दिया जाएगा। ओके जी, लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अंडर रूट लेते हैं 7, 49 अंडर रूट इज 7, अंडर रूट 8 इज 2 अंडर रूट 2। हाउ इट बिकम्स 2 अंडर रूट 2? अंडर रूट के अंदर अगर आपके पास 8 हो, आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप 8 को लिख सकते हैं 4 × 2। आप 8 को लिख सकते हैं 4 × 2। तो जब आप
फोर मल्टीप्लाई टू लिखते हैं तो अंडर रूट फोर टू के इक्वल होता है, वो टू बाहर आ जाएगा और टू के ऊपर जो अंडर रूट है वो एज इट इज इसी तरह ही रहेगा। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे वन ओवर सेवन है वो टेक टू राइट हैंड साइड। ओके जी, सो नेक्स्ट स्टेप ये क्या हो जाएगा, माइनस वन ओवर सेवन, माइनस वन ओवर सेवन प्लस माइनस टू अंडर रूट टू इज योर आंसर। सो दैट इज योर सॉल्यूशन सेट। पार्ट नंबर टू में देखें जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, इन सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीराइट द क्वेश्चन। सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशेंट है उसको वन बनाना है, ये दूसरा स्टेप होना चाहिए आपका। हमने उसको वन बनाया, डिवाइडिंग बोथ साइड विद ए, सो ए एंड ए कैंसिल, ए एंड ए कैंसिल वन और वन, तो एक्स स्क्वायर के साथ आपके साथ कोफिशेंट क्या बन गया। इधर देखें, अगर आप चेक करें तो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशेंट वन है, ये दूसरा स्टेप आपका क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप आपने क्या करना होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में, थर्ड स्टेप में आपके पास ये होता है कि ये जो आपके पास थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में जो बी है, बी आपके पास क्या है ये चेक कर लो, बी आपके पास है फोर बाय ए, फोर बाय ए एक्स, हाफ ऑफ बी इज टू ओवर ए, व्हेन वी डिवाइड फोर ओवर ए विद टू इट बिकम्स टू ओवर ए। ओके जी, सो नाउ वी एड टू ओवर ए होल स्क्वायर ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये आपका था थर्ड स्टेप। कोई भी कंप्लीट स्क्वायर का मेथड है ये आपने स्टेप याद रख लेने हैं, किस स्टेप से करने हैं। थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपने फार्मूला क्लोज करना होता है। देखें, ए है आपके पास एक्स, बी है आपके पास टू ओवर ए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, प्लस टू ए बी मीन्स ए प्लस बी का फार्मूला बनना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ओके जी, राइट हैंड साइड वन प्लस टू ओवर ए होल स्क्वायर, टू स्क्वायर इज फोर, ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर। नाउ अब अगला स्टेप आपके पास क्या होता है, इन नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक एलसीएम ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, जब आपने एलसीएम लिया तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस फोर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ओके, नाउ अभी तक हमने कितने स्टेप कर लिए ध्यान में रखें। पहला स्टेप क्या होता है, कॉन्स्टेंट को राइट हैंड साइड में ले जाओ। दूसरा स्टेप क्या होता है आपका, दूसरा स्टेप आपका ये होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको वन करें, उसको वन करना है आपने। ठीक है, दूसरा स्टेप आपका क्या होता है कि आपने उसको वन करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि जब आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन बना दिया, फिर आपने बी का हाफ उसका स्क्वायर लेके दोनों साइड पे ऐड कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये आपके पास कौन सा स्टेप होता है, थर्ड स्टेप होता है। फोर्थ स्टेप आपका कंप्लीट स्क्वायर में क्या होता है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करना है, आपने फार्मूला बना लेना है और राइट हैंड साइड का एलसीएम ले लेना है स्क्वायर ओपन करके। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं याद रखने हैं। फोर, पांचवा स्टेप हर क्वेश्चन में क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आपने स्क्वायर रूट ले लिया लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे, स्क्वायर रूट ले लिया। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड से कॉन्स्टेंट को राइट हैंड साइड पे लेके जाना है और सिंप्लीफिकेशन करनी है। ये टोटल आपके सेवन स्टेप्स बनते हैं पूरे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, सिर्फ सात स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये इसी के साथ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर थ्री देखें, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप कॉन्स्टेंट को राइट साइड पे ले जाए, हम ले गए कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पर थ्री, सो वी टेक थ्री टू द राइट हैंड साइड इट बिकम्स माइनस थ्री। सेकेंड स्टेप, व्हाट इज द सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप इज आप लोग अपने दोहराए, जब मैं कहूँ सेकेंड स्टेप क्या है आप बोलें, कुदरती बात है कि जब इंसान अपने मुंह से कोई चीज़ दोहराता है तो वो उससे जहन नशीन हो जाती है, वो जहन में बैठ जाती है।
ठीक है, ये आजमाई हुई बात है, आप दोहराएं, आपको साथ साथ ही अभी ही कंप्लीट स्क्वायर मेथड पूरे का पूरा जुबानी याद हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना। इधर क्या है 11, 11 को 1 बनाने के लिए डिवाइडिंग 11 ऑन बोथ साइड, 11 11 कैंसिल होके 1, 3/11 दूसरा स्टेप हो गया आपका। थर्ड स्टेप, इन थर्ड स्टेप वी हैव टू ऐड हाफ ऑफ बी ऑन द बोथ साइड विद स्क्वायर, ठीक है, हाफ ऑफ बी, बी क्या है 34/11, बी इज 34/11, 34/11, ओके जी, 34/11 का हाफ क्या होता है 17/11 और 34/22, दोनों में से कुछ भी लिख दें आप, उसका स्क्वायर लेके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी आपने ऐड कर दिया, हो गया थर्ड स्टेप। व्हाट इज फोर्थ स्टेप, इन फोर्थ स्टेप वी हैव टू मेक द फार्मूला ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी, फार्मूला बनाते हैं, ए क्या है एक्स, बी क्या है 34/22, साइन दरमियान में कौन सा आएगा जो 2ab के साथ होता है नेगेटिव, सो ए माइनस बी होल स्क्वायर, और राइट साइड पे स्क्वायर ओपन करके आपने इसका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम ले लिया तो आपके पास आंसर आता है 1024/484, ये आपके पास हो गया फोर स्टेप। यहां तक फोर स्टेप हो गए, फिफ्थ स्टेप मैंने आपको अभी क्या बताया था, फिफ्थ स्टेप मैंने आपको बताया था टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये आपको मैंने बताया था सिक्स्थ स्टेप, ठीक है, नेक्स्ट टाइम में वही करते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जब हमने नेक्स्ट टाइम में किया तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, और स्क्वायर रूट की वजह से अंडर रूट 1024 इज 32 एंड 484 इज 22, ओके जी। अगला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, सिक्स स्टेप क्या बताया था, सिक्स स्टेप ये बताया था कि जो कांस्टेंट होगा लेफ्ट हैंड साइड पे उसको राइट हैंड साइड पे ले जाएं, वो आप ले आए, और सेवन्थ स्टेप आपको क्या बताया था कि अब जो सिंप्लीफिकेशन होती है वो करें और आपका आंसर आ जाएगा। सेवन्थ स्टेप में सिंप्लीफिकेशन करते हैं, देखें सिंप्लीफाई करने के लिए 34 + 32/22, ये एक दफ़ा लिख दिया, फिर 34 माइनस, प्लस माइनस है ना, तो प्लस 32 है, तो अब इसके साथ एक दफ़ा प्लस लिख दिया, एक दफ़ा माइनस लिख दिया, ठीक है, तो माइनस 32 लिख दिया डिवाइडेड बाय 22, ऐड करें 66, 22 से डिवाइड करें 3, 32 माइनस 34 माइनस 32 2, डिवाइड करने से 1/11, सो 3 एंड 1/11 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ओके जी। बहुत सिंपल से थे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट फोर देख लें। स्टेप वाइज अगर हम इसको लेके चलते हैं तो पहला स्टेप क्या होता है, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ले जाए, इट बिकम्स माइनस एन, ठीक है, पहला स्टेप आपका हो गया। दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है कि आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना है, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है एल, 1 बनाने के लिए हम इसको एल से डिवाइड करते हैं, कैंसिल होके ये क्या हो गया 1 एम ओवर एल माइनस एन ओवर एल, सेकंड स्टेप क्लियर। थर्ड स्टेप क्या, इन थर्ड स्टेप वी हैव टू ऐड हाफ ऑफ बी विद स्क्वायर ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ओके, सो नाउ वी एड हाफ ऑफ बी, बी इज एम ओवर एल, बी इज एम ओवर एल, ये देखें एम डिवाइडेड बाई एल एक्स, तो इसका हाफ क्या होगा एम ओवर टू एल, टू से डिवाइड करेंगे तो एम ओवर टू एल हो जाएगा, सो एम ओवर टू एल स्क्वेयर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे ऐड कर देंगे, ओके जी। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक्सप्रेशन बनती है उसको स्क्वायर में चेंज कर देना है, सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको अगर आप चेंज करते हैं तो एक्स प्लस एम ओवर 2l
होल स्क्वायर बनता है. राइट हैंड साइड पे एम स्क्वायर इज एम स्क्वायर, टू एल स्क्वायर इज फोर एल स्क्वायर. आपने राइट साइड में मैंने क्या बताया था, एलसीएम लेना है. तो सिंपल सी बात है, एलसीएम लेते हैं 4L स्क्वायर. ठीक है जी, आपने एलसीएम ले लिया. तो जब एलसीएम लिया, अब ये ऊपर माइनस 4L n कैसे आया, देखें L L कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बच गया 4L. जो आपके पास यहाँ पर रिमेनिंग बचता है उसको हम न्यूमिनेटर n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. ये एलसीएम लेने का तरीका है. 4L को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 4LN बनेगा. ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पर देखें 4L 4L कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचेगा 1. 1 को एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर ही बचेगा आपके पास. ठीक है जी, ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं. देखें नेक्स्ट टाइम में मैंने आपको क्या बताया था कि आपने सिंपल स्क्वेयर रूट ले लेना है दोनों साइड्स पे, यही बताया था मैंने. ठीक है, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा स्क्वेयर रूट के साथ. ऑन द राइट हैंड साइड वी टेक द स्क्वेयर रूट एंड प्लस माइनस. ओके, नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू टेक कॉन्स्टेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. सो एम आवर 2L बिकम्स माइनस एम आवर 2L. ओके ओके जी, इन नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, सेवंथ स्टेप. सेवंथ स्टेप में क्या बताया था, अगर सिंपलीफिकेशन होती है तो करें. इसमें सिंपलीफिकेशन सिर्फ इतनी ही होती है कि इसको सिर्फ कंबाइन करके लिख दें बस. ठीक है जी, तो इसको अगर आप कंबाइन करके लिखें तो माइनस एम प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 4LN डिवाइडेड बाई 21 2L. ये 2L कैसे आया, अंडर रूट 4L स्क्वायर कितना बनता है 2L. सो 2L 2L डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसलिए ये 2L आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर फाइव में देखें 3x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू जीरो. नाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर फाइव. आप क्वेश्चन नंबर फाइव को कैसे सॉल्व करना है जी, देखें इसमें कांस्टेंट क्या है, लेफ्ट साइड पे कोई कांस्टेंट है ही नहीं, हमारे पास नहीं है. तो हम कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको राइट हैंड साइड पे लेके जा सकें, तो इसको एज इट इज ही रखेंगे. तो इसमें पहला स्टेप तो हमारा बनता ही नहीं है कि कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे लेके जाएं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट है ही नहीं. अच्छा, दूसरा स्टेप क्या हमारे पास बनता है, दूसरा स्टेप हमारे पास ये होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना होता है, ऐसे ही होता है. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाने के लिए हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ है 3. तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, 7/3 बन जाएगा. 0/3 = 0. ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि अब ये क्या होगा. अक्सर बच्चों को देखा गया है कि जब वो पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो लिखते हैं 0/5 = 0, एंड अगर ये आ जाए 5/0 = again also 0, तो ये गलत हो जाता है. हमेशा याद रखें, अगर न्यूमिनेटर में 0 हो, डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट हो तो आंसर 0 होता है. न्यूमिनेटर 0 होने की सूरत में आंसर 0 होगा. अगर आपका डिनोमिनेटर 0 आता है, मीन्स 3 की जगह 0 हो और ऊपर कोई वेरिएबल कोई कांस्टेंट कुछ भी हो, तो आंसर 0 नहीं होता, वो इन्फिनिटी आ जाता है, अनडिफाइन. उसको मैथ्स में कहते हैं इन्फिनिटी, वो अनडिफाइन होता है. तो ये मिस्टेक नहीं करनी, कांस्टेंट नीचे हो तो 0 आता है. ओके जी, आगे चलते हैं. सेकंड स्टेप हो गया. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप. इन थर्ड स्टेप वी हैव टू ऐड हाफ ऑफ बी विद स्क्वायर ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. ओके, सो हाफ ऑफ बी इज 7/6.
when we divide 7 by 3 with 2, 2 से 7 को हम कैंसिल नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, तो फिर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा 6, ठीक है। आप देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 7 ओवर 6 होल स्क्वायर। नेक्स्ट अब आपको क्या बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला क्लोज करना है, ठीक है जी, फार्मूला क्लोज करते हैं आप, x प्लस 7 बाई 6 होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी इज 7 बाई 6, ए इज x, सो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 7 बाई 6 होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या बताया था, अगला स्टेप आपको ये बताया था कि जब आप ये स्टेप कर लें तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपने स्क्वायर रूट ले लेना है बोथ साइड। ओके जी, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो अंडर रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, सो एक्स प्लस 7 बाय 6 प्लस प्लस माइनस 7 बाय 6, ये हो गया लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप आपको क्या बताया था, सेकंड लास्ट स्टेप, कि राइट साइड पे सारे कांस्टेंट को इकट्ठा कर देना है, लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट क्या है 7 बाय 6, इसको राइट साइड पे लेके आए माइनस 7 बाय 6 बन जाएगा, ये देखिए माइनस 7 बाय 6। अब सेवंथ स्टेप आखिरी, अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन होती है तो करें, नहीं होती तो छोड़ दें, लेकिन इसमें सिंप्लीफिकेशन हो रही है, ठीक है। माइनस 7 बाय 6 प्लस 7 बाय 6 जीरो, और माइनस 7 बाय 6 माइनस 7 बाय 6 इज माइनस 14 बाय 6, कैंसिल होने के बाद माइनस 7 बाय 3 इज योर आंसर, पार्ट नंबर 6। लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 95 इक्वल्स टू 0। इसको एक्सप्लेन करने से पहले आप एक दफा तमाम स्टूडेंट्स दोहरा लें कि कितने स्टेप्स होते हैं और इन क्वेश्चंस को हमने कैसे करना है, जरा खुद एक दफा दोहरा लें अपने जहन में, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैंने आपको स्टेप बताए हैं, 7 स्टेप्स करने हैं, एक दफा रिपीट करें कौन से स्टेप्स करने हैं, हरी आप, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप कि आप सब ने रिपीट कर लिए होंगे। ओके जी, देखें मैंने बताया था फर्स्ट स्टेप में कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके आना है, ओके फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि आपने जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उसको वन बनाना है, ओके जी, उसको वन बनाने के लिए सबसे पहले हम जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है उसके साथ डिवाइड करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी कोफिशिएंट वन बना हुआ है, ऐसे ही है, ठीक हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखें, अब हाफ ऑफ बी को ऐड करना पड़ता है स्क्वायर के साथ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बी क्या है 2, इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ होता है 1, और 1 को आपने ऐड करना होता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अगला स्टेप क्या बताया था, नेक्स्ट स्टेप ये बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपने स्क्वायर बनाना है a माइनस 2ab प्लस b, तो a क्या हुआ x, b क्या हुआ 1, a प्लस b होल स्क्वायर, ए प्लस बी आएगा ना, अटेंटिव रहें, ठीक है, ए माइनस बी आएगा क्योंकि यहां पर माइनस है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 195 प्लस 1 इज 196। ओके जी, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या बताया था, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड मींस दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, ओके जी, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दिस स्क्वायर कैंसिल विद अंडर रूट एंड 196
under root 196 is equals to 14. Okay, ये आपके पास आ गया plus minus 14 में. अब next step क्या बताया था कि left hand side से तमाम constants को right hand side पे लेके आना है. Constant क्या है left hand side में? 1. When we take minus 1 to the right hand side, it becomes plus 1. Okay जी. So plus 1 plus minus 14. और last step था, अगर simplification होती है तो करें. तो last step में 1 plus 14 15, 1 minus 14 minus 13. So that is your answer. आपका lecture खत्म हुआ जाता है. एक दफा में तमाम steps को repeat कर देता हूँ. Complete square method. अगर कोई question आ जाए तो आपने किस तरह solve करना है. Okay जी. तो रिपीट करता हूं सुने. जब भी आपके पास कोई भी कंप्लीट स्क्वायर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये करना होता है, सबसे पहले आपने उस क्वेश्चन का जो भी कांस्टेंट अगर लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है तो कांस्टेंट्स को आपने राइट साइड पे लेके जाना है. स्टेप नंबर 1. चाहे तो आप ये नोट कर लें. आप लोगों ने कॉपी या कोई बुक तो उस पास रखी हुई होगी, उसमें नोट कर ले. इससे फायदा ये होगा कि जब आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, आप सिर्फ स्टेप को ध्यान में रखें कि इसमें मैंने ये स्टेप करने हैं, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. ओके, स्टेप नंबर 1 क्या है कि सबसे पहले लेफ्ट साइड से जितने भी कांस्टेंट होंगे उनको राइट साइड पे ले जाओ. स्टेप नंबर 1 हो गया. स्टेप नंबर टू ये होता है, जब आप उसको लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके स्टेप नंबर 2 में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाओ. एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको आपने 1 बनाना है. और उसका मेथड ये है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है उसी कोफिशिएंट से पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर दो, वो 1 बन जाएगा. स्टेप नंबर 2 हो गया आपके पास. स्टेप नंबर 3 क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में? 3 स्टेप नंबर ये होता है कि जो x के साथ लिखा होता है कांस्टेंट उसको हम कहते हैं b. उस b का हाफ उसको 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर लेके लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड पे ऐड कर दो. ये है स्टेप नंबर 3. ठीक है, हाफ ऑफ b का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे ऐड करना है. फोर्थ स्टेप क्या होगा? फोर्थ स्टेप ये होगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड का फार्मूला क्लोज कर लो. अब सिंपल सी बात है, फार्मूला क्लोज करना बच्चों को नहीं आता, तो इसका आसान सा हल है, आप ब्रैकेट डालो. मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, ये देखें फार्मूला कैसे क्लोज कर रहे हैं. कोई भी क्वेश्चन हो जाए, फर्स्ट टर्म के x लिखो, लास्ट जो आपने ऐड किया होगा b का हाफ वो लिखो, इधर ऊपर स्क्वायर डाल दो. प्लस माइनस का अगर आपको नहीं समझ आती तो जो मिड वाली वैल्यू के साथ साइन है वो लिख दो. बस इस तरह फार्मूला क्लोज कर लो. अगर आपको फार्मूला क्लोज करना नहीं आता तो मैं किसी और बट इस क्वेश्चन का चले मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट टर्म लिखो, एक्स लिखो, दरमियान वाली टर्म का प्लस लिखो और लास्ट टर्म जो आपने खुद से भी ऐड की है वो लिखो और स्क्वायर डाल दो. लेफ्ट हैंड साइड का फार्मूला क्लोज करने का ये मैथड है, बस ईजी मैथड है. ठीक है, तो ये था फोर्थ स्टेप. अगला स्टेप सॉल्व करने का मैंने आपको क्या बताया जी? नेक्स्ट स्टेप आपको ये बताया हुआ है कि आपने ये करना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना. जब आपने राइट साइड पे सिंपलीफिकेशन कर ली, अब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास कोई आंसर आएगा. स्क्वायर रूट लेने के बाद आपने पहला काम क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड से जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको राइट हैंड साइड पे ले जाओ. ठीक है, आप उसको राइट हैंड साइड पे ले जाते हो. जब आप राइट हैंड साइड पे ले गए फिर देखो अगर कोई सिंपलीफिकेशन होती है तो करें, अगर नहीं होती तो बस उसको आंसर की सूरत में लिख दें तो आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है. बहुत आसान मेथड है, मुश्किल नहीं है. अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे क्वेश्चन टेक्स्ट कर सकते हैं. अनम्यूट करने के लिए आप कहें या ना कहें मैंने आपको अनम्यूट नहीं करना, इसलिए बेहतर है कि ना कहें.
तो जिसको कोई प्रॉब्लम है आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपको आंसर दे देता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो। हरि आप मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो पहले आए हुए होंगे क्वेश्चन सुन के मैं आंसर नहीं दूंगा, तो जो अभी आपने क्वेश्चन किया मैं उन्हीं के आंसर दूंगा, ठीक है। काइंडली एक्सप्लेन द पार्ट नंबर वन, ठीक है जी। पॉइंट नंबर वन चले मैं देख लें आप लोगों के लिए, सामने मैंने स्क्रीन पर रख दी है। पॉइंट नंबर वन